हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्विज स्वतंत्र में। मैं हूं अभिनाव सिंह और हम कर रहे थे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये हमारी अगली क्लास है जिसमें हम लोग जो संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है वो देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि किसी को ना पता हो तो भी रिवाइज हो जाए, ठीक है, जिसने भी ध्यान ना दिया हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले हमने देखा था सबसे पहले कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या है, यानी कि भाषा हमारा क्या है, संपर्क का माध्यम। भाषा है संपर्क का माध्यम। फिर हमने देखा था भाषा के जो विशेषताएं क्या होती हैं। तो भाषा की विशेषताओं में एक तो सरलीकरण और अनुकरण सीखना, यादृच्छिकता। यादृच्छिकता का मतलब है कि कोई भी जो शब्द बनाए गए हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। वैसे ही किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी के पीछे कोई भी तर्क नहीं है। किसी ने किसी कोई भी नाम दे दिया, वो समाज में प्रचलित हो गया तो उस भाषा में आ गया। तो ऐसे ही जो शब्द बने हैं किसी भी भाषा के, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर लॉजिक होता तो सभी के यहाँ किसी भी भाषा में देखते हम तो एक ही चीज के लिए एक ही शब्द मिलता, ठीक है। और जो हमारे भाषा के तत्वों के बारे में भी मैंने बताया था, जैसे भाषा के तत्व तो क्या होते हैं। पहले तो होते हैं वहां पे वर्ड या फिर ध्वनिया, फिर होते हैं वहां पे क्या, वर्ड ध्वनि के बाद होते हैं शब्द, ठीक है। शब्दों के बाद क्या होती है, व्याकरण। व्याकरण मिलके फिर बाद में लिखने के लिए हम लिपि भी यूज करते हैं। तो तत्वों की बात करें, भाषा के तत्व होते हैं ध्वनि, शब्द, व्याकरण और लिपि। फिर हमने देखा था जो हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ है। तो हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी के विकास में जो चीजें आती हैं वो सरलीकरण से बनी है, संस्कृत के सरलीकरण से। तो सबसे पहले हमारी वैदिक संस्कृत थी सन 2000 से लेके 1000 तक, ठीक है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद आई लौकिक संस्कृत, जो आई हमारी वैदिक संस्कृत थी, ठीक है, 2000 से लेके 1000 BC तक, यानी कि ईसा पूर्व की बात चल रही थी। फिर आई हमारी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत हमारी 500 से 1000 से लेके 500 तक BC। फिर हमारी ये हमारी थी प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है। प्राचीन आर्य भाषा के बाद आई मध्यकालीन आर्य भाषा। तो पहली आई थी पाली, जो 0 से 0 तक थी, यानी कि 500 से लेके 0 0 तक थी, ठीक है। फिर आई थी हमारी प्राकृत, 0 से लेके 500 AD तक, यानी कि ईस्वी तक, ठीक है। फिर आई थी हमारी अपभ्रंश, 500 से लेके 900 तक, 900 ईस्वी तक। अपभ्रंश के बाद कहीं कहीं आपको देखने को मिलती है अवहट्ट, 900 से लेके 1100 तक। फिर अवहट्ट के बाद आई थी हमारी पुरानी हिंदी। ये हमारी मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी। ये प्राचीन आर्य भाषाएं, ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं, ये थी हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं। यहां से हमारी हिंदी की शुरुआत हुई है। यहां पहले आती है पुरानी हिंदी, फिर आती है हमारी मध्यकालीन हिंदी, फिर आती है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी की शुरुआत हमारी कब से हुई थी, 1850 के करीब से, और अब तक ये चल रही है। इसमें बहुत सारे युग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये बहुत सारे युग आपको देखने को मिलेंगे जब हम साहित्य पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये था हमारा भाषा का विकास, हिंदी का, कैसे कैसे हिंदी बनी। आगे जाकर जब आधुनिक हिंदी बनी है तो खड़ी बोली, खड़ी बोली के द्वारा ही जो उसका जो व्याकरण था, हमारी वर्तमान हिंदी का व्याकरण है, और खड़ी बोली का संस्कृत में स्वरूप हुई हमारा क्या है, आधुनिक हिंदी है। जैसे हम अभी मैं जो बोल रहा हूँ हम लिखते हैं वो सारी क्या है, आधुनिक हिंदी, जो खड़ी बोली का जो संस्कृत रूप है। बात करें हम लोग अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश के 7 प्रकार मैंने बताए थे मैप बना के अच्छे से, आप वीडियो देख भी सकते हैं, उसमें से कोई भी आपका जो टॉपिक नहीं छूटेगा। तो 7 अपभ्रंश कौन से प्रकार की थी। तो पहले बात करें राजस्थानी, सौर सैनी, ठीक है, और हमारी ब्राचड़। ब्राचड़ के अलावा हमारी मागधी, अर्धमागधी और खस। इससे जो 7 अपभ्रंश थी, जो हमारी ब्राचड़ है और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश थी एक,
तो उससे क्या हुआ था, महाराष्ट्री से, महाराष्ट्र में एक मराठी बोली जाती है, मराठी भाषा का विकास हुआ था। इसी प्रकार ब्राह्मण अपभ्रंश से जो सिंधी भाषा है उसका विकास हुआ था। तो बाकी जो हमारी पांच अपभ्रंश जो बचती हैं उनसे एक एक हमारी उपभाषा का विकास हुआ था, जैसे सौर शैली से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी, और खस से हमारी पहाड़ी हिंदी, और साथ ही साथ अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और मागधी से हमारी क्या हुआ था बिहारी हिंदी। ये पांचों हमारी अब जो उपभाषाएं थी उनसे बहुत सारी बोलियों का विकास हुआ था। इन पांचों से मिला के टोटल 17-18 बोलियों का विकास हुआ था। तो उन बोलियों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थान में भी चार थी वो पढ़ चुके हैं, कफ, कुमारी, गढ़वाली, वो भी पढ़ चुके हैं, मगही, अवधी, भोजपुरी, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है, संविधान में हिंदी की क्या स्थिति होनी चाहिए या फिर है वर्तमान में क्या होना चाहिए था, ये तो सभी को पता है। हाँ, जो जितने भी नॉर्थ वाले हमारे यानी कि उत्तरी राज्यों वाले लोग हैं वो तो हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा सब कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन जो साउथ वाले और नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, राष्ट्रभाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा बने। वर्तमान में हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है राजभाषा है। तो हम बात करें संविधान सभा की, तो 14 सितंबर, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं, 1949 को, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने, संविधान सभा में डिस्कशन हुआ कि हमारी राजभाषा क्या होनी चाहिए। तो संविधान सभा ने राजभाषा, राजभाषा का मतलब होता है कामकाज की भाषा, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा या फिर कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को चुना, लेकिन बोला गया कि 15 साल तक क्या करेंगे हम लोग, हिंदी में भी काम करेंगे, लेकिन ये अलग चीज है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ हम लोग क्या मानते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसी उपलक्ष्य में कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी थी, इसीलिए हम लोग उसी दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब हम बात करें संविधान के में स्थिति क्या है हिंदी की, यानी कि संविधान में कहां कहां हिंदी के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया है, वो तो कौन से आर्टिकल है, वो कौन सा भाग है। तो संविधान में हिंदी की बात करें हम लोग, संविधान में हिंदी की बात करें तो एक तो हमारा आर्टिकल 120, आर्टिकल 210, इन दोनों में बात की गई है हिंदी के बारे में। साथ ही साथ जो हमारा भाग 17 टॉपिक उसका क्या है, राजभाषा, उसके अंतर्गत आर्टिकल है 343 से लेके 351 बी तक या फिर 351 तक, ये आर्टिकल है हमारे संविधान में हिंदी के बारे में। और साथ ही साथ एक भाषाओं से भाषाओं की बात करें तो 8वीं अनुसूची के बारे में भी हमें पढ़ना होता है, तो 8वीं अनुसूची में भी हमें हिंदी के बारे में हिंदी मिल जाएगी 8वीं अनुसूची में। तो ये सारी चीजें हमें संविधान में अगर हिंदी जाननी हो तो ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि संविधान में इन्हीं सब जगहों पे हिंदी का वर्ड शब्द यूज हुआ है। तो बात करें हम लोग आर्टिकल 120 की, आर्टिकल 120 की मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बाकी बता पूरा दूंगा। अनुच्छेद 120, इसमें बोला गया है कि संसद के कामकाज की भाषा, यानी कि संसद का कामकाज किस में होगा, या तो अंग्रेजी में या फिर हिंदी में, 15 साल तक हिंदी रहेगी, उसके बाद हिंदी खत्म हो जाएगी, वो अंग्रेजी खत्म हो जाएगी 15 साल के बाद, ऐसा बोला गया था। लेकिन बाद में कुछ घटनाएं हो गई जिससे अंग्रेजी आज तक बनी रही और आगे भी बनी रहेगी, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 120 में बोला गया है कि संसद के कामकाज की भाषा हिंदी या फिर अंग्रेजी होगी,
ठीक है, लेकिन क्या कर सकता है जो हमारा अध्यक्ष या सभापति होता है सदन का, किसी भी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। अगर किसी भी संसद सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती, वो अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है, तो मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दी जा सकती है संसद सदस्य को। ये लिखा हुआ हमारे आर्टिकल 120 में, और साथ ही साथ ये बोला गया था 15 साल के बाद हिंदी नहीं रहेगी, जो अंग्रेजी है वो नहीं रहेगी, हिंदी अकेली बची रह जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये था हमारा आर्टिकल 120। हम अगले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 210, उसमें भी सेम चीज है लेकिन राज्य विधानमंडल के बारे में। ऐसे ही बोला गया है, राज्य विधानमंडल का कामकाज कौन सी भाषा में होगा, हिंदी या अंग्रेजी। 15 साल के बाद अंग्रेजी शब्द अपने आप हट जाएगा, ऐसा भी लिखा था, लेकिन जो हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, नेहरू जी, उन्होंने 1963 में ऐसा कारनामा कर दिया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी स्थापित होते होते रह गई। तो जो हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाने का फैसला है, इसमें हमारे पीएम जो थे नेहरू, उनका बड़ा योगदान है। तो राज्य विधानमंडल की कामकाज की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी, लेकिन अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष या सभापति इसलिए क्योंकि लोकसभा में जिस प्रकार अध्यक्ष होता है, विधानसभा में उसी प्रकार अध्यक्ष होता है। वही अगर राज्य विधानमंडल की बात करें, उसमें दो सदन होते हैं, तो कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, सभापति, और जो हमारी राज्यसभा होती है सेंटर में, यानी संसद का जो पार्ट होती है, वहां भी आपको क्या मिलता है, सभापति। तो राज्य अध्यक्ष या फिर सभापति क्या कर सकता है, सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति। तो ये था हमारा आर्टिकल 210, ठीक है, ये आर्टिकल 120 और 210, ज्यादा अंतर नहीं है, कोई एक संसद से संबंधित है और दूसरा जो हमारी राज्य विधानमंडल है उससे संबंधित है, दोनों हिंदी भाषा के या फिर जो वहां की कार्यकाल की भाषा है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा भाग 17 है संविधान का, उसको बाकी पॉलिटी की क्लास में आप जाके देख सकते हैं, अच्छे से डिस्कशन किया रखा है मैंने। तो राजभाषा वाला जो टॉपिक है भाग 17, ठीक है, उसके बारे में जितने भी आर्टिकल है वो सब हम देखेंगे। तो पहले आर्टिकल की बात करते हैं, 343, इसमें बोला गया है संघ की राजभाषा के बारे में। तो इसमें दो तीन बातें हैं, पहली तो है संघ की राजभाषा क्या हो, तो देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी, देवनागरी में लिखित हिंदी क्या होगी, संघ की राजभाषा। साथ ही बोला गया है कि अंकों का स्वरूप, जो अंक हैं या फिर संख्याएं हैं, वो देवनागरी वाला ना होके क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, यानी रोमन लिपि वाला रूप होगा। जैसे देवनागरी में हम अंकों को कैसे लिखते हैं, पहले पे तो ये 1 लिखते थे यहाँ पे करके, पता नहीं कैसे, फिर 2 लिखते थे, फिर 3 को कैसे लिखते थे ऐसे करके, 4 को कैसे लिखते थे ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है, 7 को जब 6 लिखते हैं वैसे 6 लिखते थे, और 8 को ऐसे लिखते थे, 9 को दोनों तरफ 0 से 0 है। तो ये हमारा क्या है, देवनागरी में लिखे जाने वाले शब्द, लेकिन हमने इनको नहीं स्वीकार किया, हमने 1, 2, 3 जो अंग्रेजी में चलते हैं वही स्वीकार किए हैं। तो अंकों का प्रयोग देवनागरी वाला होगा, ये याद रखिएगा, देवनागरी वाला नहीं होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्वरूप वाला होगा। अब इसमें एक और बात लिखी थी, इसमें एक और बात लिखी थी कि 15 साल के बाद जो हमारी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी चल रही है वो खत्म हो जाएगी। 15 साल बाद अंग्रेजी का प्रयोग बंद, ये
ये बोला गया था आर्टिकल 343 में, और साथ ही साथ एक और दूसरी बोली गई थी कि संसद चाहे तो अंग्रेजी को आगे भी रख सकती है। यानी कि अगर संसद कोई भी काम ना करती तो अपने आप, संसद कोई भी अधिनियम या फिर प्रस्ताव लेके नहीं आती तो अपने आप अंग्रेजी शब्द संविधान से हट जाता, 15 साल तक उसकी लिमिट थी। जैसे आरक्षण की व्यवस्था है वो 10 साल के लिए होती है, 10 साल के बाद अगर संसद ना बढ़ाएगी उसे तो वो खत्म हो जाएगा वहीं की वहीं। तो हर साल, हर 10 साल से पहले संसद उसको आरक्षण को आगे बढ़ा देती है क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो व्यवस्था है, जो अंग्रेजी की व्यवस्था थी, वो 15 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाती। लेकिन इसमें एक और चीज थी कि संसद चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग आगे भी जारी रख सकती है। तो उसी का फायदा उठा के जो हमारे पीएम थे, उन्होंने एक राजभाषा अधिनियम 1963 लेके आए। राजभाषा अधिनियम 1963, उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी का निरंतर प्रयोग कर दिया। इसके द्वारा बोला गया है कि अंग्रेजी का जो प्रयोग 15 साल के बाद जो अंग्रेजी खत्म होने वाली थी वो नहीं रही, खत्म होगी, आगे भी अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ जो भारत की राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। ये बोल दिया गया हमारा किसके द्वारा, राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा। तो ये है कहानी केवल हिंदी के राष्ट्रभाषा न बनने के पीछे। अगर ये अंग्रेजी हट जाती तो अकेली हिंदी हमारी राजभाषा बनती और आगे जाके राष्ट्रभाषा बनने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन जो हमारे पीएम थे नेहरू, उन्होंने ये राजभाषा अधिनियम लेके आए और हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनते बनते रह गई। अगर हमारे देश में केवल एक ही राष्ट्रभाषा होती तो भाषा की जगह पे जो हमारे दंगे फसाद होते हैं इधर उधर, सुना होगा महाराष्ट्र वगैरह में, मुंबई में दंगे होते हैं मराठी और हिंदी को लेकर, वो होते बहुत ही कम। अब फिर जो मुकाबला है हिंदी के आधार पर, जो हम भेदभाव करते हैं भाषा के आधार पर, वो आगे जाके नहीं करते अगर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाती तो। तो जितने भी देश हैं यूरोप वगैरह के, उनमें एक राष्ट्रभाषा जरूर मिलती है। जैसे जर्मनी में जर्मन जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, ब्रिटेन में जो हमारी अंग्रेजी है उसको, ऐसे ही बहुत सारे देश हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी ही चलती है मूलतः राष्ट्रभाषा के रूप में। चलते हम लोग आगे आर्टिकल 344 में बोला गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पश्चात और पुनः 10 वर्ष पश्चात क्या करेंगे, एक राजभाषा आयोग बनाएंगे या फिर भाषा के लिए एक आयोग बनाएंगे। ये बोला गया हमारा आर्टिकल 344 में। और साथ ही साथ ये और बोला गया कि इस जो आयोग होगा ये अपनी रिपोर्ट देगा या फिर सिफारिश करेगा, उसकी जांच करने के लिए संसदीय समिति भी बनाई जाएगी। तो दो चीजें थी हमारी कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक आयोग बनाएंगे जिसको राजभाषा आयोग बोला जाता है, साथ ही साथ जो आयोग को रिपोर्ट देगा उस पर विचार करने के लिए संसदीय समिति भी बनाई जाएगी। ये दो चीजें हमारी बोली गई थी संविधान के आर्टिकल 344 में। तो राष्ट्रपति ने एक आयोग बनाया था बीजी खैर की अध्यक्षता में, बीजी खैर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था, और जो बना था 1955 में 5 वर्ष की समाप्ति के बाद जब संविधान लागू हो जाएगा। इसी प्रकार 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, जीवी पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति भी बनाई गई थी। तो ये था हमारा आर्टिकल 344। हम बात करते हैं आर्टिकल 345 की। आर्टिकल 345 की बात करें तो हमारी राज्यों की राजभाषा, इसमें बोला गया है राज्यों की राजभाषा, इसमें बोला गया है राज्य
अपने राज्य में प्रचलित किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में स्थापित कर सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा। तो राज्यों की राजभाषा जो हमारा डिसाइड करते हैं राज्य, किस आर्टिकल के द्वारा करते हैं? 345 के द्वारा। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है हमारा 346, इसमें बोला गया है कि जो राज्य है और केंद्र और राज्य है उनके बीच संपर्क भाषा कौन सी होगी, संपर्क भाषा क्या होगी राज्यों में और साथ ही साथ संघ और राज्यों में। तो ये बोला गया है कि संपर्क भाषा नॉर्मली तो अंग्रेजी होगी, ठीक है, जो हमारी केंद्र सरकार डिफाइन करेगी, और साथ ही साथ ये भी छूट दी गई है कि दो राज्यों को या विशेष राज्यों को कि वो चाहें तो किसी और भाषा को भी जो हमारे जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत है उसके अलावा भी किसी भी भाषा को आपस में सहमति से समझौता करके क्या कर सकते हैं, संपर्क की भाषा भी बना सकते हैं। तो आर्टिकल 345 के द्वारा राज्यों की राजभाषा या राज्यों की राजभाषाओं के बारे में बोला गया है और साथ ही साथ 346 के द्वारा संपर्क भाषा की बात की गई है। अब हम बात करें आर्टिकल 347 की। आर्टिकल 347 में बोला गया है कि जो हमारा राज्य है, जो हमारे क्या है राज्य, तो राज्य में कोई भी विशेष वर्ग है या फिर जनसंख्या का एक समूह है अगर वो क्या करता है, ये डिमांड करता है राष्ट्रपति से डिमांड करता है कोई भी जनसंख्या का कोई भी समूह किसी भी राज्य का कि हमारे राज्य में हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम इस भाषा को बोलते हैं, तो राष्ट्रपति का प्रमुख सिफारिश करेगा तो हमारी ये राजभाषा होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राज्य को निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को वहां की क्या बनाया जाए, राजभाषा बनाया जाए। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्य में लोकप्रिय भाषा को राजभाषा बनाने का निर्देश। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि आपके यहाँ पे लोकप्रिय भाषा है उसको अब राज्य का जो मान्यता प्राप्त भाषाएं होती है उनमें शामिल कर दीजिए और शासकीय प्रयोजनों के लिए तो सभी या फिर तीन शासकीय प्रयोजनों के लिए आप उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 347। जैसे राज्य के बहुत सारी बड़ा जनसंख्या का भाग क्या चाहता है कि हमारे यहाँ पे ये वाली भाषा राजभाषा के रूप में होनी चाहिए, तो वो जाके राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है और राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए राज्य में। अब हमारा अगला आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 में काफी इंपोर्टेंट चीजें बोली गई है जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो भाषा होती है, जो कामकाज की भाषा होती है, वो उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा, क्या वो बताई गई है, अंग्रेजी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा चलती थी पहले अंग्रेजी, वही आगे भी जारी रखी गई। लेकिन राज्यों को एक चीज बोली गई, राज्य का जो राज्यपाल है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अपने हाईकोर्ट में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से अपने हाईकोर्ट में किसी अन्य भाषा को भी अंग्रेजी के अलावा हाईकोर्ट में कामकाज की भाषा बना सकता है। जो हमारा हाईकोर्ट होता है उसमें अंग्रेजी तो कार्यकाल की भाषा है ही, अंग्रेजी तो रहेगी, उसके अलावा भी किसी और भाषा को कामकाज की भाषा का दर्जा दिया जा सकता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है या हाईकोर्ट होता है उसके फैसले अंग्रेजी में अवश्य अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाएंगे, बाकी चाहे तो राज्य चाहे जो भी उन्होंने राज्यपाल ने क्या कामकाज की भाषा बनाई गई है तो उसमें अनुवाद हो सकता है, लेकिन मूल फैसला किसका आता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, वो आता है हमारा अंग्रेजी में। याद रखिएगा, मूल फैसला किसमें आता है, अंग्रेजी में।
इसी के साथ साथ आर्टिकल 348 में भी बोला गया है संसद के नियम कानून विनियम संशोधन राष्ट्रपति के अध्यादेश किसमें होंगे, अंग्रेजी में, ठीक है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल यही सारी चीजें, नियम कानून विनियम संशोधन अध्यादेश जो राज्यपाल का होता है अंग्रेजी में मूल पाठ होगा उनका। बाकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकता है, इनका अन्य भाषाओं में अनुवाद भी प्रस्तुत कर सकता है। तो मूल जो पाठ होता है वो अंग्रेजी में ही आता है, जो हमारा संविधान है मूल संविधान अंग्रेजी में ही बना था, बाद में उसका हिंदी प्राधिकरण पाठ लागू किया गया, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की जो कामकाज की भाषा है वो अंग्रेजी है, उनके फैसले मूलतः अंग्रेजी में आएंगे, बाकी अन्य भाषाओं में भी वो ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कामकाज की भाषा केवल अंग्रेजी है। हाईकोर्ट में राज्यपाल व्यवस्था कर सकता है कामकाज की भाषा कोई दूसरी भी अंग्रेजी के अलावा हो। संसद के नियम कानून विनियम अध्यादेश, ठीक है, या संशोधन होते हैं संविधान में वो सारे अंग्रेजी में होंगे, अंग्रेजी के अलावा केंद्र सरकार चाहे तो उसका अनुवाद भी करा सकती है। राज्य विधानमंडल के जो नियम कानून विनियम अध्यादेश होते हैं वो क्या होंगे, अंग्रेजी में होंगे, और बाकी जो राज्य में अधिकृत भाषाएं हैं उनमें भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन उसका मूल पाठ अंग्रेजी में ही होगा। यह था हमारा आर्टिकल 348। के बाद अगला आता है हमारा संसद आर्टिकल 349। इसमें बोला गया है कि संसद राजभाषा संबंधी संशोधन विधेयक लेके आएगी, तो अगर संसद में कोई भी राजभाषा से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करना है तो पहले क्या चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कोई भी राजभाषा संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बोलता है हमारा आर्टिकल 349। अब हम बात करें आर्टिकल 350 की। आर्टिकल 350 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रचलित भाषा में अपनी शिकायत कर सकता है, और उसका निवारण भी उसको किया जाएगा। ये नहीं बोला जा सकता किसी भी अधिकारी द्वारा कि ये आपने इस भाषा में दिया है हमें दूसरी भाषा में आवेदन करो या शिकायत बताओ। तो ये चीज बोली गई है आर्टिकल 350 में कि कोई भी, जैसे यूपी है या फिर कोई अन्य जो हमारा राज्य है उसमें कोई भी भाषा बोली जाती है, तो किसी भी केंद्रीय सरकार के या फिर राज्य सरकार के अधिकारी को वो किसी भी भाषा में जो राज्य में प्रचलित हो उसमें क्या कर सकता है, अपनी मातृभाषा या कि उसकी जब प्रचलित है तो बोलता है कि मातृभाषा होगी एक तरह से, तो उसमें आवेदन भी कर सकता है, ठीक है, और उसको इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा उसके आवेदन को कि ये वाला इस भाषा में नहीं है आवेदन। अगला हमारा 350A। 350A बोलता है जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनको, जो उनके जो बालक हैं उनको मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये बोला गया आर्टिकल 350A में, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 350A बोलता है
मातृभाषा में आपको प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? प्रारंभिक शिक्षा बालकों को, जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है 350A के द्वारा। अगला हमारा 350B, इसमें बोला गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ये बोला गया है किसमें? आर्टिकल 350B में। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल 350A, B, 350। एक बार देख लेते हैं, 49 में बोला गया राजभाषा संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। 350 में बोला गया कोई व्यक्ति भारत के किसी क्षेत्र में प्रचलित भाषा में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 350A में बोला गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बालक है उनको मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। साथ ही साथ बोला गया है 350B में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या होगा, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला जो और अंतिम आर्टिकल है इस भाग का हमारा, वो है 351। 351 में बोला गया है तो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। इसमें बोला गया केंद्र सरकार के लिए निर्देश दिया गया है हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास। तो हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी केंद्र सरकार, जिससे कि हिंदी संपूर्ण भारत की सामाजिक संस्कृति की भाषा या सामाजिक संस्कृति को प्रस्तुत करने का माध्यम बन सके और सभी वर्ग हिंदी को जान समझ सके आसानी से, ये प्रयास करने के लिए बोला गया है 351 में केंद्र सरकार को। ठीक है, तो ये हमारा भाग 17 इतना ही था। अब हमने जो टॉपिक करना है अपना हिंदी से संबंधित, वो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 14। तो पहले हम उन 14 को देख लेते हैं, बाद में हम लोग 22 कैसे हुई कि संविधान संशोधन के माध्यम से हुई वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहली हमारी असमिया, दूसरी ओडिया, संस्कृत, फारसी ले लेते हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, हिंदी भी थी इसमें। तो हिंदी, ठीक है, ये जो हमारे मूल संविधान में थी वो शामिल है, और साथ ही साथ पंजाबी, गुजराती, बांग्ला और मराठी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, मराठी और कौन सी कौन सी होगी हमारी असमिया हो गई, और साथ ही साथ हमने कन्नड़ कर ली, गुजराती कर ली, तेलुगु कर ली, तमिल कर ली, पंजाबी कर ली, संस्कृत, मलयालम, मराठी, ये सारी कर ली। दो रह गई हैं हमारी, एक तो उर्दू थी और एक कश्मीरी, उर्दू और कश्मीरी। ये हमारी भाषाएं वो थी जो मूल संविधान में शामिल थी 14 भाषाओं के रूप में। अब फिर इसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा क्या किया गया, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया।
तो सिंधी भाषा कब जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा, और ईयर कौन सी थी 1967, ठीक है। फिर आगे जाके हमारा संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संशोधन, जिसके द्वारा तीन भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनको शॉर्ट में नमक भी बोला जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। ये भाषाएं जोड़ी गई थी 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अब कितनी हो गई, 15 + 3 = 18। 18 के बाद हमारा जो संविधान संशोधन आया था वो आया था 92वां, जो आया था 2003 में। उसके द्वारा BDMS यानी कि बोडो, डोगरी और कल मैंने बताया था मैथिली और साथ ही साथ संथाली, ये चारों भाषाएं भी जोड़ दी गई 8वीं अनुसूची में। तो संख्याएं कितनी हो गई, 18 + 4 = 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22, कौन सी कब जोड़ी गई, ठीक है, ये सारी हमने देख ली। अब इसका एरिया भी देख लेते हैं, असम में बोली जाती है, उड़ीसा में बोली जाती है संस्कृत, मुख्यतः उत्तराखंड वहां की राजभाषा के रूप में भी ये प्रचलित है। मलयालम केरल में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया, कन्नड़ जो गोवा का एरिया है वहां पे कन्नड़ बोली जाती है, हिंदी नॉर्थ वाले राज्य में 70% जनसंख्या इसको बोलती है, पंजाबी पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, गुजराती गुजरात वाला एरिया, बांग्ला हमारा बांग्लादेश जो बांग्लादेश वाला एरिया है वो, ठीक है, बांग्लादेश में भी बांग्ला ही भाषा बोली जाती है। साथ ही साथ हमारे पश्चिम बंगाल वाला एरिया भारत की आजादी से पहले बांग्लादेश के साथ ही था, तो बांग्लादेश में और जो हमारा पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहां पे कौन सी बोली जाती है, बांग्ला, ठीक है। और हमारा जो राष्ट्रगान है वो भी बांग्ला में ही लिखा गया है। मराठी जो हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है मराठी वहां पे बोली जाती है। उर्दू, उर्दू यूपी की जो राजभाषा है उसमें शामिल है। कश्मीरी, कश्मीर वाला एरिया जाहिर सी बात है। सिंधी, सिंध प्रदेश यानी कि जो हमारा उत्तर भारत वाला कश्मीर के आसपास का जो एरिया है, कश्मीर भुज पंजाब, इसके बाद ही हमारा सिंध प्रदेश शुरू होता था, तो वहां पे भी कुछ लोग बोलते हैं, इसलिए सिंधी को भी इसमें शामिल किया गया संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, और नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन द्वारा BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये चार भाषाओं को शामिल किया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो चुकी है हमारी, तो वो सारी हमने देख ली है एक एक करके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद।